जाओ, अगर तुम मिल जाओ, पहला की छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ सबको छोड़ दूंगा मैं, सबको नहीं छोड़ूंगा, सबके साथ में हूँ। और कुछ लोग बोल भी रहे हैं कि यार सारे गांव के हो गए हो, जनते बने भोजपुरी में अगर ज्यादा काम कर रहे हो तो सारे लोग पहले गोद ले बने, तो गोद नहीं लिए हैं। कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड मेरा नहीं है, आंशु बाबा का है, बड़े भैया का है। और साथ ही साथ जब मेरा भाई वहाँ पे है तो मैं भी वहाँ पे हूँ, और सारे कंपनियों को भी गाना दिया जाएगा। मैं विक्रम जी से पूछना चाहूंगा कि ये जो एसोसिएशन हुआ है सारे कामों और कल्लू जी के बीच, उसके बारे में कुछ शब्द बताएं। देखिए, सारे कामा 125 साल पुरानी कंपनी है, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी म्यूजिक की कंपनी है जो 1903 से गाने दे रही है। करीबन 3-3.5 साल पहले हम लोग को ये लग रहा था कि जो इस देश की सेकेंड सबसे ज्यादा लार्जेस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज है भोजपुरी, उसको समझने और बोलने वाले इतने लोग हैं, तो उसके म्यूजिक को क्यों नहीं हम यहाँ से बाहर लेकर जाएं और देश के हर हिस्से के अंदर भोजपुरी म्यूजिक लोगों को दिखाएं सुनाएं। इस चक्कर में हम लोगों ने बड़ा इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा था 3 साल पहले, और मुझे बड़ा गर्व इस बात से है कि आज की तारीख के अंदर हमारे मानना है कि हमने म्यूजिक का कुछ हद तक चेहरा भोजपुरी म्यूजिक का चेंज कर दिया है। आज की तारीख में दिल्ली और मुंबई की पार्टियों के अंदर भी भोजपुरी म्यूजिक की डिमांड आने लगी है, और लोग इज्जत से बोलते हैं कि यार भोजपुरी में बड़े अच्छे गाने आए हैं, तूने सुना है क्या? पहले ये चीजें पंजाबी और हिंदी के लिए हुआ करती थी। इसी कुछ चीज को आगे बढ़ाते हुए कल मैंने बोला भी था कि दो बड़े इनिशिएटिव आ रहे हैं हमारे। एक तो हम पिक्चरों के धंधे में घुस रहे हैं, तो आप भोजपुरी पिक्चरों में भी आप वही बड़ा चेंजेस देखेंगे जो अभी तक आपने म्यूजिक में देखा है पिछले 3 साल में सारे गांव से। और दूसरी चीज, अगर मुझे भोजपुरी म्यूजिक को ऊपर लेकर जाना है तो जरूरी ये नहीं है कि सिर्फ सारे गांव के गानों को ऊपर लेके जाया जाए। अब कल्लू जी जा रहे हैं अपने अपने चैनल पे भी बहुत बढ़िया बढ़िया गाने लॉन्च करते हैं, तो हमारा कहना था कि जो टॉप के परफॉर्मर्स हैं हम उनके साथ डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप में आएंगे। मतलब क्या हुआ, गाने इनके रहेंगे, गाने हमारे नहीं है, ये इनके गाने हैं, ये बनाएंगे, पर जिम्मेदारी हम उठाएंगे कि इन गानों को देश और विदेश के हर हिस्से में ले जाएं हम, मार्केट करें इसको हम, और इससे फिर पैसा इतना बने कि ये और गानों के अंदर इन्वेस्ट कर सके। तो ये बड़ी पार्टनरशिप है, हम कई सारे लोगों के साथ ये पार्टनरशिप शुरू करेंगे, पर पूरे देश में पहली बार ये पार्टनरशिप सारे गांव अगर कर रहा है तो कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड के साथ कर रहा है। बहुत गर्व है इस बात का। कल्लू जी, इतना टाइम लगा हमें आपको समझाने के लिए इस चीज के लिए, तो जरा बताएं कि आप किस लिए रूठे हुए थे। सबसे पहले तो हमारे कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड, हमारा नहीं सारे का, हमारे कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड के लॉन्चिंग है, जितने लोग उपस्थित हुए हैं सारे मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और मैं अपने आप को बचपन से बहुत लकी मानता था कि जिस उम्र में बच्चे पढ़ते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, गोली खेलते हैं, गांव में गोली वोली खेलते समय का उम्र में आप लोग हमारे के माई के दिन लोग हम जो भी तनी मनी गई आप सबके आशीर्वाद से आज ये बनी। और सारे गांव इतनी पुरानी कंपनी, हमको लगता है आजादी से पहले की कंपनी है। हमारे जन्मों ना भैल हुई, हमारे बाबू जी के जन्म ना भैल हुई, बाबू जी के बाबू जी का भी नहीं हुआ होगा। अच्छा, तो इतनी पुरानी कंपनी और शुरुआत अगर की डिस्ट्रीब्यूशन की तो कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड, तो वो कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड से शुरुआत नहीं की, वो भोजपुरी से शुरुआत की, और भोजपुरी के लिए बहुत गर्व की बात है। तो एक बार मैं चाहूंगा जितने लोग कैमरा नहीं लिए हैं एक बार जोर और ताली बजा के विक्रम सर का धन्यवाद करें। और मैं बहुत खुश हूँ, आज हद से ज्यादा खुशी है मुझे, दो तीन टाइम मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। एक बार जब मेरा पहला एल्बम लॉन्च हुआ था, एक बार जब मेरे पापा जी का सपना था कि मैं फिल्म बनाऊ था, और आज तीसरी बार हद से ज्यादा खुश हूँ कि सारेगामा के एमडी विक्रम सर आप बिहार में भी पटना में और मेरे चैनल पर लॉन्चिंग में है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से थैंक यू। और जो आपने भरोसा किया है, विश्वास किया है, उस विश्वास के ऊपर मैं पूरी अपनी ताकत लगा दूंगा, मेहनत लगा दूंगा। वैसे तो आपके कंपनी में मैं बहुत ज्यादा आजकल 1 साल से ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, 200 मिलियन। और उसका सारा क्रेडिट मैं आशु बाबा को देना चाहूंगा कि पहले मैंने डायरेक्ट अप्रोच किया था कल्लू जी को। हाँ, देखिए आशु बाबा का बिजनेस पार्टनर है वो मेरे, तो
तो मैं बहुत मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई कल्लू जी के साथ लॉकडाउन में। हम लोग घंटों बातें करते थे पर ये गाना नहीं लेते थे मुझे। और फिर मेरी दोस्ती हुई आशु बाबा से और उसके बाद सब कुछ बदल गया। तो थैंक यू आशु बाबा। और सर के लिए बस ये बोलना चाहूंगा कि आज के समय में आज पर्सनली भी ऐसा नहीं है कि हम गायक बनी या हीरो बनी। आज के समय में भाई भाई खातिर नहीं सोचा, सारे का मैंने भोजपुरी के लिए सोचा, कल्लू के लिए सोचा, इसके लिए दिल से थैंक यू। थैंक यू। और अंजलि है हमारे साथ, तो जो ये आपका दूसरा गाना है कल्लू जी के साथ, तो कैसा था एक्सपीरियंस आपका कल्लू जी के साथ? हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम काम हुआ है। स्पेशल थैंक्स टू बद्री सर, इन्होंने मींस इनमें ये है कि ये न्यू टैलेंट को अप्रोच करते हैं, ऊपर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं खुद भी हूँ, इन्होंने मुझे दिया ये मौका दिया, मैं आप लोगों के बीच हूँ। एंड कल्लू जी के साथ एक्सपीरियंसेस आई कांट एबल टू से, बहुत बहुत मतलब न्यू आर्टिस्ट को स्पेशली बहुत कम्फर्ट दिलाते हैं कि नहीं उनको ये फील ना हो कि ये उनका पहला काम है। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था एंड सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा सर, हमने लगातार दो तीन इवेंट देखे सारेगामा हर जगह कर गए सर, मेन उद्देश्य क्या है सारेगामा का भोजपुरी को लेकर? क्योंकि हमेशा से भोजपुरी सोची जाती है सर अश्लील करके बहुत बदनाम किया गया, लेकिन सारेगामा ने बहुत चीजें चेंज कर दी है। नए पैटर्न में हम अक्सर विदेश फॉरेन जा रहे हैं, तो मेन जो मुख्य उद्देश्य है सारेगामा को क्या लेकर? मुख्य उद्देश्य म्यूजिक, हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है म्यूजिक को और बड़ा बनाना। स्पेसिफिक यहाँ पे हमारा असली उद्देश्य है भोजपुरी गाने को भोजपुर से बाहर ले जाकर देश में और विदेश में वही इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए जो शायद हिंदी और पंजाबी को मिलती है, क्योंकि हमारा म्यूजिक बहुत धड़कता है यहाँ पर। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, मैं सिर्फ जब यहाँ आता हूँ या वाराणसी या लखनऊ में बात करता हूँ तो भी मुझे यही सुनने को मिलता है अश्लील अश्लील वर्ड। कोई भी जना यहाँ के बाहर बम्बई में और पंजाब में और कनाडा में कोई नहीं कहता कि भोजपुरी गाना अश्लील है। आई थिंक कुछ हम लोग अपने बच्चे को ज्यादा क्रिटिसाइज भी कर जाते हैं। आई थिंक हम बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, गाने की क्वालिटी बहुत बढ़िया बढ़ रही है, लिरिकल क्वालिटी अच्छी होती चली जा रही है, टॉप सिंगर्स आ रहे हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे कुछ समय टाइम के बाद लोग पंजाबी पंजाबी की जगह भोजपुरी भोजपुरी करेंगे। सर सारेगामा जब से आई है तब से एक भोजपुरी में एक नया थीम दी है, काफी बजट की एल्बम आ रही है, लेकिन फिल्म कब आएगी उस स्तर की? लगातार ट्रेंडिंग में तो गाने रहते हैं, गाने एल्बम तो बहुत पिक लेवल पे, लेकिन फिल्म लेवल पे 50 करोड़ 100 करोड़ की फिल्म सारे का कब लाएंगे? देखिए अगर सिर्फ पैसा फेंक के काम हो जाता तो और भी बहुत सारी कंपनियां बहुत कुछ कर लेती। पैसे से सिर्फ कुछ नहीं होता, पैसे की जरूरत होती है पर उसमें बहुत कुछ जाता है गाने को बढ़िया बनाने में। वही है, माँ से पूछिए खाना बनाने में सबसे महंगे इंग्रेडिएंट डालते हैं वो तो खाना अच्छा बन जाएगा कि नहीं बनेगा। दिल से कई सारे काम होते हैं। आपने पिक्चरों के बारे में पूछा, मैंने कल ही अनाउंस करा है कि हम पिक्चरों के क्षेत्र में घुस रहे हैं और पिक्चरों की क्वालिटी भी अलग लेवल पे लेके जाएंगे। मैं बजट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है पिक्चरों में कहानी पे खर्चा करो। कहानी पे तो जो चीज वो जो सेट पे लिख के कहानियां बनाते हैं और वहीं का वहीं शूट हो जाता है वहां अच्छी पिक्चर नहीं बनती है। तो हमारा पूरा इम्पोर्टेंस समय जा रहा है बढ़िया कहानियों पर इन्वेस्ट करो और बहुत जल्दी एक दो साल में आपसे मैं जब कहानियों के लिए मिलने आऊंगा तो आप बोलेंगे अच्छा पिक्चरों में भी कर लिया म्यूजिक भी कर लिया, आप बताइए और क्या करेंगे। बद्री भैया आपसे एक सवाल रहेगा, कुछ लोग बोलते हैं कि सारे गांव जानबूझकर ट्रेंडिंग सेक्शन को खरीद चुके, हर गाने उनके ट्रेंडिंग में आते हैं, ऐसा क्या है वाकई में? आई थिंक इसका तो जवाब मैं बॉस को दे देता हूं सर। वही है, अगर पैसे से चीजें खरीदी जा सकती तो जो विदेशी कंपनियां सब खरीद करके बैठी हुई होती, ऐसा नहीं होता हुजूर मेरे। ये आप लोगों को प्राइड होना चाहिए कि आप एक तो भोजपुरी सुनने वाले इतने लोग हैं, ऊपर से भोजपुरी का म्यूजिक सिर्फ यहीं के लोग नहीं सुन रहे हैं बाहर भी लेकर जा रहे हैं। उन सब के हिसाब से जब टॉप 10 देखते हो आप तो भोजपुरी भोजपुरी रहता है। देखिए ना पावर, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। सर एक सवाल आपसे और रहेगा मेरा कि कल मैं आपका एक इवेंट शो देखा था जो कि खेसारी लाल यादव जी का शो था, उस शो में सिर्फ नेशनल मीडिया को ही क्यों बुलाया गया आपके द्वारा? तो पहली बात तो जो कल का इवेंट था वो केसारी जी ने आके चार चांद लगाए, कल्लू ने भी आके चार चांद लगाए, अक्षर ने भी आके चार चांद लगाए, अंकुश ने भी आके चार चांद लगाए, वो सारेगामा का इवेंट था। वो सारेगामा का इवेंट भी इसी हमारी कोशिश यही थी
कि जितने इन्फ्लुएंसर को हमने बुलाया हुआ है यहाँ पर वो सब गानों को पोस्ट करें। फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब कहीं भी देश में पार्टी हो रही हो तो बच्चा उठकर बोले डीजे वाले भैया मेरा भोजपुरी गाना बजा दे। जिस दिन वो हो गया उस दिन हम सक्सेसफुल हैं। कौन आया नहीं आया प्रेस के अंदर मैं माफी मांगूंगा, अगर कुछ लोग नहीं आए जिन्होंने बुलाया है उनसे बोलूंगा अगली बारी गलती ना हो। सर आपसे सवाल रहेगा, हाँ जी, बल्लू जी के साथ फिल्म कब अनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत उम्मीदें हैं और ये विश्वास भी है कि जब आप बड़ा कर रहे हो तो बल्लू जी को लेकर भी सर सही वक्त पे सही अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। अब देखो यहाँ तो रिश्ता ना बहुत बड़ा गहरा हो चुका है बैठे हुए, तो अभी तो मतलब समझी हो गए नहीं नहीं बहुत कुछ होगा। बेटा हम देते बेटी के भी आके करें गाना हम देते तो फिल्म और घबराई नहीं के पास ही फिल्म रहे हैं जिसका नाम केस है उसकी फिल्म की शुरुआत पहले हुई है। कितना आपके लिए नया चीज लग रहा है सारे गामा ने आपके साथ टाइप किया है और बेहतरीन से बेहतरीन करने की जो प्रयास है आप लगातार प्रयास करते आ रहे हैं। आपके बेहतरीन गाने जो है 2022 में भी हमने देखा सारे गामा के सारे गाना मिलते हैं, तो 2023 की क्या क्या फायदे पहले तो धन्यवाद करना चाहेंगे कि सारे गामा हम भोजपुरी से जो मेरा गाना है नाच पत्थर की नागिन जी से। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, हमारा आदत ना है सब बोले, बस सभी कहा कि भोजपुरी में पहली बार 1 आया और 2.2 जब हमको बद्री भैया समझाए कि हमको हम लोग एक पहले भी किए थे जिया ने देखो काय पत्थर को 2.2 सर हमको नहीं समझ आया था कि 2.2 होता था। तो जिस चीज में हमको समझ नहीं होती हम बक बक ना बोलेंगे, फिर से बोले कि एक प्रयास उनका सफल रहा लेकिन उतना सफल नहीं रहा, उस समय लॉकडाउन लग गया था तो लॉन्चिंग नहीं हो पाई, फिर हम लोगों ने नाच पत्थर की 2.2 किया और पहली बार भोजपुरी में एक ही गाने को हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से शूट करके और भोजपुरी ऑडियंस को बताया कि बॉलीवुड में ही भोजपुरी में भी कुछ अलग किया जा सकता है और वो दोनों गाने आज के समय में 200 मिलियन क्रॉस है। तो इसके लिए थैंक यू बद्री सर को, स्पेशली थैंक यू बॉस को, जितना थैंक यू बोल के कम है। लेकिन 3.0 कब आएगा नाच पत्थर की 3 सर कब आएगा? ये देखिए एक चीज और बता देते हैं, और सारी कंपनी में पता रहता है या हम लोग बताते हैं कि हाँ इस तारीख को रिलीज कर दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं पता चलता है, यहाँ पे ये लोग और चलाते हैं। देखिए खबर है ये कि म्यूजिक बन चुका है पूरा सारा चीज हो चुका है, एज कब आएगा मैं नहीं बता सकता, किस दिन किस चैनल पे आएगा मैं नहीं बता सकता, एज ही बता सकता हूँ 3.0, 2.0 और 1.0 दोनों से बड़ा होगा। देखिए जब बॉलीवुड की कंपनी हमारे कंपनी से कोलैब कर रही है तो मैं ये बोलूंगा कि जो भी होगा भोजपुरी में सर ने बादशाह को लाए, सब लोग बोलते थे नहीं बादशाह सर नहीं आएंगे लेकिन सर ने पानी पानी वाले गाने पे बादशाह को लाए। तो जैसे इन्होंने बोला कि पहली बार जुड़े हैं और पहले का जो लड़का होना ना बड़ी होकर मान जानकारी देना, तो अपने आपके बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि पहला लड़का भी मैं तो पहला लड़का भी IAS ऑफिसर बना ही लूँ, एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट आएंगे और मैं बोलता हूँ कि भोजपुरी में इतना बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट लोग हैं सारे का हम भोजपुरी आप खोल के देखिएगा, हम लोग जमशेदपुर जब शूट करते हैं झारखंड में तो जितने भी नए नए आर्टिस्ट होते हैं उन लोग को हम लोग बुलाते हैं और बाकायदा रिहर्सल होते हैं, लोग बोलते हैं कि एल्बम कैसे इतना अच्छा शूट हो गया, बाकायदा हम रिहर्सल करते हैं 2-4 घंटा समय निकालते हैं, जब गाना वहीं पे बनता है सुनाया जाता है टीम बैठती है कि इस पे ऐसा वीडियो शूट करना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि बॉलीवुड में आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि बॉलीवुड से अच्छा है कि हम भोजपुरी में ही नए नए आर्टिस्टों को लेके आए और बॉलीवुड के लेवल पर पहुँचे।